हाँ चोनी पे पहाड़ों ते टोपी पहनी थी बंदे ने, टोपी फेंक दी वो तेरी। इस चक्कर में कि इसको ये बोले भी बहुत स्मार्ट बॉय है ना। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सभी? कैसे हो आप लोग सभी? आई आई एम पिंग द चाय। एम पिंग द दूध। ओके बाय, सी यू, टाटा केयर, टेक केयर। टेक केयर। ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हाय एवरीवन, हाय भानु देवी। तो क्या कर रही है, पढ़ रही है? और हिमांशु देखो कितना पढ़ता है, ये किताब बंद करके भी पढ़ लेता है ना ये। अच्छा, अभी मैं दूध पीने गया था घर, तो यहाँ ले आया मैं। हाँ ये दूध पीने गया था घर। हूँ, क्यों भाई झूठ क्यों बोलती है तू? गया था पूछो बोला क्या पढ़ेंगे क्या पढ़े भला? क्वेश्चन क्वेश्चन सर। आंसर जो भी इससे पूछे वो बता देता है, ये ऐसा नहीं है, नालायक थोड़ी ना। क्यों है ना, एक पारी कर ले फिर। हाँ बाय बाय एवरीवन, बाय भावना, बाय। सी यू। ये क्या डोली तेरी, बोल दे दर्द दी बहुत बाजू दे। सच्ची जोई हाँ झूठ बोल रही है, इसको नहीं है नहीं दर्द है कोई ना। केयर नहीं चाहिए होगी, तू नहीं, लेनी है गायबन बार ऊपर है कहाँ से दे देना। हाँ भावना बोल रही थी इसको हाँ बोले ये दीदी नहीं पड़ी इतने पहाड़ों ते जा है ना। 20 फुट ऊंचे से गिने हैं। 20 फुट हाइट से पेन किलर लेता है, नहीं मालिश किया, कजी रमाला से। मालिश भी किया किसी चीज को, माँ भी नहीं है पता किस चीज़ का मुंह किया। ठीक नहीं, मुंह गंदा हो रहा है, बोला पढ़ रही है ना ये, इसने मुंह भी नहीं धोया है तो ये शर्म कर रही है ना। देखो ना एक बार तेरा काला मुंह देख लो, सब देख ली एक एक बार, मिनट दो रहा, मुंह में पानी पे लगा रहा, ठीक है? ठंडी देखे आ रही है। ओ देखा कि तू नहीं आई जानी, चल चल गाय बांध भरे दोनों जने जाइए आए हो एक बार दिन मुंह जाकर से सीधी जब जाओ तो देवे ये तेरा जो वीडियो है उसका नाम भी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग बताइएगा। और आज आपके साथ कई दिनों बाद जो है वो रेसिपी शेयर कर रहे हैं, तो ये छोटी सी रेसिपी है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है, और ये सर्दियों में ही जो है वो रेसिपी बनती है। तो आप सभी का स्वागत है हिमाचली ब्लॉगर शुक्ला चैनल पे, और आप लोग प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल पे भी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है। तो दूसरे चैनल का नाम जिसे नहीं पता है तो वो भी जो है वो आज नाम सुन लें, हिमाचली पहाड़ी मुंडा, ये दूसरे चैनल का नाम है। और वहाँ जाके भी आप वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि एक ही वीडियो एक दूसरे चैनल पे भी वही होती होगी, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों चैनलों पे जो है वो वीडियो अलग अलग होती है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाके भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वहाँ पे भी वीडियो देख लीजिएगा। तो ये रेसिपी है आज मुरब्बा की रेसिपी, तो ये गलगल की रेसिपी होती है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी होती है, सर्दियों में ही होती है, पर धूप में इसको खाना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे नमक और अदरक लहसुन और जीरा, ये सारी चीज़ें जो है वो कूट लेनी है कुंडी में, हमने कुंडी में कूट लिया है, आपको जैसे भी अच्छा लगेगा वैसे आप कूट सकते हैं। तो ये देखिए अभी ये कूट रहे हैं, इसको कूट लेंगे और फिर जो है हम छीलेंगे ये गलगल। गलगल खट्टा खट्टा भी हो सकता है और गलगल भी जो है वो इसकी रेसिपी गलगल की बन सकती है और खट्टे की भी। तो ये खट्टा है और गलगल जो है उसका छिलका जो है वो मोटा होता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो ये देखिए ऐसे छील लेंगे सारा, जितने भी खट्टे हमारे को चाहिए होंगे, जितना भी हमने बनाना है, तो हमने ज़्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा सा ही बनाना है, पर
आज जो है वो सच में बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सालों बाद खाया, सच्ची बात बता रहा हूँ। पहले तो हम जब छोटे छोटे होते थे तो खाते रहते थे, पर आज कई सालों बाद जो है मैंने ये जो मुरब्बा है ये खाया, तो बहुत टेस्टी होता है। और आप लोगों को प्लीज़, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप सभी वीडियो को फुल वॉच करिएगा और आगे से आगे वीडियो को शेयर करते रहिएगा। प्लीज़ प्लीज़, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैं, और बोल ही सकता हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है। पर प्लीज़ आप मेरे चैनल, दोनों चैनलों को जो है सब्सक्राइब करिएगा और दोनों चैनलों पे वीडियो वॉच करिएगा, तो दोनों चैनलों पे ही अलग अलग वीडियो आती है। हाँ, एक बात और बताऊँगा मैं, सच में बड़े मज़ेदार बात है। तो मुझे एक यहाँ पर गाँव से ही था एक बंदा, उससे बात की मैंने कि यार चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, एक ही बार करते हैं सब्सक्राइब। तो वो पता क्या बोलता है, यही नमोल की बात है ये, वो बोलता है कि 50 रुपया सब्सक्राइब करने का लगता है। भाई तो ऐसा कुछ नहीं है, ना सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं और ना ही लाइक करने के पैसे लगते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सभी जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। और देखिए ऐसे हमने छील लिए हैं जो जितने हमारे को चाहिए, और उसके हम छोटे छोटे ऐसे पीस बना लेंगे, ये जो खट्टा है इसके पीस बना लेंगे, और फिर पीस बना के हमने क्या करना है वो आप देखिएगा। तो पता कई सोचते हैं कि जैसे हमने वीडियो डाल दी तो लाइक कर दिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। वीडियो वॉच करनी पड़ती है, वीडियो देखनी पड़ती है, तभी हमारे को जो है वो इसका फ़ायदा मिलता है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए कि लाइक कर दिया मैंने जी बस हो गया, ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं गांव के जिनको नहीं पता होता है कि वीडियो देखनी पड़ती है तभी उसका जो है वो बेनिफिट मिलता है, या तभी उसका व्यूज़ जो है वो गिना जाता है। लाइक करने से ऐसे कुछ नहीं होता है, लाइक करने से सिर्फ ये यूट्यूब देखता है कि लाइक की है, हाँ चलो ठीक है, पर वॉच भी करनी पड़ती है, इसलिए जो है वो पूरी वीडियो देखनी पड़ती है और तभी आप लोगों की काउंटिंग होगी। लाइक करने से काउंटिंग नहीं होती है। तो हमने जो मसाला कूटा था वो इसमें हमने ऐड कर लिया, डाल लिया, और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए ये कुंडी में हमने जो है वो मसाला कूटा था, और ये देखिए ऐसे हमने जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें एक मेन बात होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है और बहुत ही अच्छी जो है वो तब बनती है जब इसमें एक चीज़ और हमने करनी होती है। ये देखिए हमने अच्छे से मिला दिया, वैसे ऐसे भी खा लेते हैं कई लोग, पर हम क्या करते हैं कि इसको धूपनी देते हैं, धूपनी बोलते हैं हम उसको, आप देखिएगा कि कैसे जो है धूपनी देते हैं। ये देखिए ऐसे हमने बिल्कुल अच्छे से सारा नमक और जो हमने मसाला कूटा है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, हर एक पीस में जो है वो मिक्स होना चाहिए। और ये ले ली हमने शक्कर, शक्कर भी हमने ज़्यादा लेनी है, वैसे चीनी भी यूज़ करते हैं पर शक्कर जो है वो बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत अच्छे लगता है शक्कर से, शक्कर का स्वाद जो है वो अलग ही होता है, आप लोगों को भी पता है। तो अब शक्कर को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए ऐसे, और जितना आपका मुरब्बा होगा, जितना आपके ये पीसीज होंगे, उस हिसाब से आपने शक्कर भी ज़्यादा लेनी है। शक्कर की जगह पे आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, पर चीनी से वो वाला टेस्ट नहीं आता है। तो ये देखिए ये है अंगारा, और ये अंगारे से जो हम धूपनी बोलते हैं ना वो वाली देनी ज़रूरी है, और उससे ना स्वाद भी और आ जाता है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये देखिए अंगारे के ऊपर हमने तेल डाल दिया और फिर हमने बंद कर लेना है इसको। ये देखिए, फिर ये खेत लेके आ गई थी बेटी, हम खेत में हल चला रहे थे, गेहूं बीज रहे थे, तो यहाँ पे जो है वो ये लेके आ गई थी, यहीं पे थे ना सारे सदस्य, घर के जितने भी मेंबर हैं वो सभी यहीं पे थे। तो ये अब क्या करना है, धूपनी देने के बाद इसको जो है वो अच्छे से फिर दोबारा से मिक्स कर लेना है, और फिर ये हमने पतले जो है वो ले लिए, पतले ये हमने त्यंबड़ की पतले लिए, त्यंबड़ बोलते हैं, मैंने दिखाया था आपको पिछली वीडियो में भी सॉरी खांसी आ गई थी,
तो ये पतले जो है सब में बांट लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके जो है वो खाएंगे। तो धूप में ही इसे ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि इसके बाद धूप सेकना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए अभी बांट रहे हैं सभी को, तो सरिता ने ही बनाया और सरिता ही सबको बांट रही है, ये देखिए। और सब ने खाया और मुझे सच में जुकाम था और ठीक हो गया इससे। तो कई कहते हैं कि ये खट्टा नहीं खाना चाहिए, तो खाना चाहिए पर तरीके से खाना चाहिए। ऐसे अगर हम मुरब्बा डालते हैं ना इसका, तो बहुत टेस्टी होता है। ये हमारे खेतों का बना मुरब्बा और बहुत ही टेस्टी लाजवाब बना सच में ही, और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये खा लेना चाहिए कभी कभी, डेली तो नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।